इस वक्त मैं सदर में मौजूद हूँ। ये लोग डीएमसी का कैब लगाकर कैसे पार्किंग चार्ज कर रहे हैं? पर्ची ठेकेदार नहीं देते, ठेकेदार का नाम बताओ। सईद पठान साहब ये कह रहे हैं कि मजदूरी कर रहे हैं, मतलब आवाम का खून निचोड़ कर मजदूरी की जा रही है डीएमसी का कैब लगाकर। भाई क्यों दे रहे हैं आप लोग पैसे? ऐसी नहीं है कि खुल्लम खुल्ला भत्ता है भाई, खुल्लम खुल्ला भत्ता। नाम बताओ तुम अपने बंदे का, नाम बताओ जो ठेकेदार है। आमिर पठान अगर सुन रहे हैं, डीएमसी का कैप लगाए हुए हैं ये, समझ रहे हैं मेरी बात आप? इस वक्त मैं यहाँ के डिप्टी कमिश्नर साउथ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पर जो खुल्लम खुल्ला भत्ता लिया जा रहा है, अगर आपका भी कोई हिस्सा है तो वो भी बता दें। लेकिन यहाँ पर कुछ अनासिर भत्ता ले रहे हैं 10-10, 20-20 रुपये की मद में। इन लोगों को पैसे देने के बजाय अगर ये आपसे पैसा ले रहे हैं, 15 पे कॉल करें, हमारे इदारे मौजूद है भाई। आप लोग पैसे दे रहे हैं ना यार, आप लोग पैसे दे रहे हैं अपने इदारों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वक्त जो चार्ज पार्किंग ली जा रही है ये गैर कानूनी तौर पर ली जा रही है। डिप्टी कमिश्नर साउथ, इलाकाई SHO, SSP साउथ, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर खुल्लम खुल्ला भत्ता लिया जा रहा है 10-10, 20-20 रुपए के नाम के डीएमसी की कैंप लगा के। कोई लेटर मौजूद नहीं है आप लोगों के पास। देखो बात ये कि आप लोगों ने अगे कैंप उतार दिए, नंबर लो, आप नंबर लो। भाई डीएमसी से ठेका उठाते हैं लाखों करोड़ों रुपए का, अल्लाह जाने क्या। सिंध गवर्नमेंट की जानिब से पूरे कराची में फ्री पार्किंग है, फ्री पार्क दिए हुए। ये डीएमसी वाले खुद लेटर, गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता डीएमसी। ये सब डीएमसी के जो हजरात हैं वो भी सुन लें, लेटर वगैरह है तो कुछ भी नहीं देते। ऊपर से नीचे तक हमारे ठेकेदार डीएमसी से उठाते हैं, पैसे देते हैं वो। भाई डीएमसी वाले बाद में मीडिया में जाते हैं, बोलते हम लोगों ने तो ठेका नहीं दिया हुआ है। बस ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आवाम और नाज भी इनको पैसे देने से एहतियात करें। जजाकल्ला।